अभी नाश्ता बनाया है, तो अपने लिए मैंने बनाया पराठा और साथ में फ्राइड एग, ये ज़्यादा के लिए बॉयल किया, साथ में ये एसन के लिए सैंडविचेस बनाए हैं। तो ये हैं चिकन सैंडविचेस, जल्दी जल्दी में बनाए हैं बहुत। और साथ में यह एहसन और मेरी चाय, इज़ा जो है वो चाय नहीं पीती। तो ये हमारा छोटा सा नाश्ता है जो हम लोग रोज़ करते हैं। मेरा तो सेम वही होता है रोज़, लेकिन एहसन का जो है रोज़ डिफरेंट होता है। जाने लगी और इज़ा जो है अपने सब खिलौने जो है वो समेट के अपने प्ले पैन के अंदर डाल रही है, प्ले यार्ड के अंदर। इज़ा ये समर हैट है, विंटर हैट नहीं है ये, ये वाली समर हैट है ना, ये सर्दियों में नहीं पहन सकते, सर्दी लगेगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी रोज़ की तरह हम जो हैं वो रेडी हो गए हैं नाश्ता वगैरह करके, और उसके बाद हमने अपना जो लंच था वो भी साथ, राइस बनाए हुए थे बिरयानी तो वो साथ पैक करके रख लिया है। और इज़ा का जो है आज लंच डे केयर से इज़ा खा सकती है क्योंकि आज है पास्ता, सो वो हलाल है, वो इज़ा खा सकती है। सो इज़ा जो है इस वजह से हमें इज़ा का लंच बनाना नहीं पड़ा। और दूसरा जी इधर ये आपकी लेके जाएंगी, आज आपका डे केयर में है पास्ता। ओके सो अभी हम लोग बस हो गए रेडी, इज़ा को भी मैंने रेडी कर दिया है। अभी जल्दी से मैं जैकेट पहनती हूँ और उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि एहसन जो है वो बाहर गाड़ी गर्म करने के लिए गए हुए और अभी उनकी कॉल आने वाली है कि आप लोग जल्दी से बाहर आ जाए। कौन से शूज पहनने हैं, ये वाले पहनने हैं, ये वाले पहनने हैं, कौन से वाले पहनने हैं, उठा ले कौन से वाले, ये वाले, ये वाले पहनने हैं। ओके सो इज़ा को आज जो है ये वाले पसंद आ गए हैं, तो अब इज़ा ये पहनेगी चलें। और उसके बाद ये सब इनको ट्रेनिंग डे केयर में भी देते हैं कि बच्चे को, वो हम डे केयर जाते हैं वो कहते हैं बच्चे को खुद उतरने दे स्टेयर से। इज़ा छोटी सी थी, अभी चलना सीख रही थी, तब से वो ऐसे ही कहते हैं, तो उसी से जो है बच्चा सीखता है। तो अभी जो है इज़ा को खुद हर काम करने की आदत है। ऐसा जो है वो आगे वगैरह तो साफ़ हो गई हैं, लेकिन हमारे घर के आगे जो एक गंदा सा पहाड़ बना के है ना, ये बहुत गंदा काम है। अब ये बर्फ़ जो है ना ये सख्त हो चुकी है, मेरा पाँव इसके अंदर नहीं जा रहा क्योंकि ये सख्त हो गई है, ये पत्थर बनी हुई है। तो लग रहा है जैसे यहाँ पे गर्मियाँ आ गई हैं, टेम्परेचर का पता ही नहीं लग रहा है ना। लाइब्रेरी पहुँच, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तकरीबन 11:30 हो गए। तो आज हमने बस लाइब्रेरी में थोड़ा सा काम किया है, और आज हमारी है निकाह एनिवर्सरी। तो हमारा प्लान बना के पहले था कि हम डिनर करें, लेकिन अभी हमारा प्लान बना है कि हम जो है वो लंच करते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है बूफे सिस्टम है एक रेस्टोरेंट में, तो वो हमने उसको सर्च किया, तो हमने कहा जल्दी से निकलते हैं क्योंकि 11 से लेके 3 बजे तक है। तो ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं ट्रक, ये सब सफाई कर रहे हैं। ये छोटा वाला ट्रक जो है ये फुटपाथ की सफाई कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और जो अगले ट्रक हैं वो जो साइड साइड पर जो स्नो है जो साइड साइड पर उसकी सफाई कर रहे हैं, चेक करें। ऐसे यहाँ पे सफाई होती है, और अब इसका पहाड़, वो साइड पे पहाड़ लगा देंगे, फिर दूसरे ट्रक आएंगे और वो ये सारी जो स्नो एक पहाड़ बने हुए हैं वो उठा के जाएंगे। सो अभी हमारे एरिया में भी सफाई होने लगी है, और ये अब गाड़ियाँ जो है भगाने के लिए आ गए हैं, अब ये ऐसे हॉर्न दे रहे हैं ताकि सफाई वाली रोड पर अगर कोई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो वो वहाँ से हटा लें, अगर वो नहीं हटाएंगे। और ये पीछे टिकट वाले हैं, ये पीछे कार जा रही है, टिकट लगाने वाली है, नहीं अभी नहीं लगाना, अभी सिर्फ उनको खबरदार कर रहे हैं कि गाड़ियां हटा लो, और जो हटाएगा नहीं उसको वो गाड़ी को उठा के ले जाएंगे, और फिर उसको कहेंगे आप फाइन दो, उसके बाद ले जाओ गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम, सलाम नहीं करना आपने, आपका मूड क्यों ऑफ है आज? फिर पहुंच गए हैं, ये बैक पे है रेस्टोरेंट ओलंपिया ग्रिल। अभी हम यहाँ पे अंदर चलते हैं क्योंकि बुफे जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो जल्दी से अंदर चलते हैं और स्टार्ट हम भी करते हैं, अल्लाह करे अच्छी अच्छी डिशेज हो। तो ये रेस्टोरेंट में बूफे जो है वो इस टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जाते हैं और हम लोग डाल लेते हैं, देख लेते हैं बूफे में क्या है। सैलेड, ये है पास्ता, ये आई थिंक स्टेक्स हैं या पता नहीं क्या है, देखते हैं। ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड सालमन, ये फिश है, रोल एंड समोसा,
चटनी, बटर चिकन, मटन, चिकन बिरयानी, चना मसाला, मिक्स्ड वेजिटेबल्स, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। और ये है आई थिंक ये खीर है, तो ये है खीर। आप क्या खा रही हैं, ये उतार दें। आप क्या खा रही हैं? इज़ा जो है, इज़ा ने आके सबसे महंगी चीज़ उठाई है, लेमन। इज़ा की फेवरेट चीज़ है ये। आप सैलेड से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है सन? ये पता नहीं क्या लग रहा है, ये शायद सैलेड का सॉस है। सो भी हमने जो है वो डाल लिया। मैंने राइस वगैरह और बाकी सालन वगैरह जो है वो बाद में डालूंगी, फिलहाल मैंने डाला है, ये मैंने डाला है। और ये जो था, ये था रोस्टेड बीफ। तो हम सबसे पहले जो है पास्ता जो है उसे स्टार्ट करेंगे, देखते हैं पास्ता कैसा है। मजे का। और ये है रोस्टेड चिकन, ये रोस्टेड चिकन है। इसका टेस्ट बिल्कुल स्टेक की तरह लग रहा है ना, ग्रिल्ड चिकन है ना, वही ना, ग्रिल्ड, सॉरी रोस्टेड नहीं, ग्रिल्ड चिकन है ये। अभी हम लेते हैं सूप, तो इसके अंदर जो है वो सूप है। ये सूप कौन सा है, ये खाते हैं तो पता लगता है ये कौन सा सूप है। पीते हैं, देखते हैं कि ये सूप किस तरह का है, क्योंकि डिफरेंट टाइप का सूप ही लग रही है। जायका उसका वैसे ही है, जैसे स्टेक्स के ऊपर सॉस डालते हैं वो वाला। इधर हाई चेयर को अपनी जगह पे रख, तो वहाँ पे जल्दी से इसको वहाँ पे रखें। बहुत मज़े की है, बहुत ज़्यादा मज़े की है, मेरी फेवरेट खीर है ये। मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसी लगी जैसे ब्रॉडवे का होता है ना, खीर का टेस्ट बिल्कुल ब्रॉडवे की खीर जैसा है। खाना जो है वो अच्छा लगा, खीर बहुत मज़े की थी, और उसके बाद बिरयानी भी अच्छी थी, बटर चिकन भी अच्छा था। सिर्फ एक मुझे जो अच्छा नहीं लगा वो रोस्टेड बीफ, रोस्टेड बीफ जो है वो मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, शायद मेरा टेस्ट नहीं बना हुआ इस वजह। और जो बीफ का जो मसाला था, सालन था, वो जो है वो भी मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। एक तो ज़रा सख्त था वो, और दूसरा उसमें से थोड़ा सी स्मेल आ रही थी बीफ की, तो वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो बाकी ये एक अच्छा था सारा। तो $20 में आप और क्या दें, $20 में आप इससे ज़्यादा क्या दें। तो आप फैमिलीज़ को बुला लेते, यहाँ पे बुफे सिस्टम है, तो बाकी अब जो है वो कुछ यहाँ पे आप डेकोरेशन वगैरह भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मुझे लग रहा है कि कुछ जगह भी प्रॉपर बनी हुई है, ये साइड पे देखें, ये साइड पे अच्छा, तो यहाँ पे आप डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं, या यहाँ पे कर सकते हैं आप सामने वाली साइड पे, तो ये उस लिहाज से बेस्ट है। इधर ये के काम है, इधर हमें खाना नहीं खाने दे रही, और ये इधर ले आइए, चले आए उस साइड पे लेके आए, इस साइड पे। इधर क्या आप कर रही हैं? खाना वगैरह खा लिया, और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे कास्को, वहाँ से ऑयल जो है वो हमारा ख़त्म होने वाला है, तो हम वहाँ से लेते हैं। तो वहाँ से कितने, 16 लीटर वाला लेते हैं ना। आज हमारी शादी को हो गए हैं, मींस कि हमारा जो निकाह था वो 11 जैन को हुआ था, 11 जनवरी को 2020 दो, मुझे अपनी शादी का जो साल है वो हमेशा जो है 11 जनवरी 2020 को जो है हमारा निकाह हुआ था, और उससे पहले जो है 16 सितंबर 2019 में हमारी इंगेजमेंट हुई, 18 अगस्त 2020 को हमारी शादी हुई। कास्को से जो है वो ऑयल ले लिए, ये ऑयल है, और क्या लिया एसन, और ये साथ में हमने लिक्विड लिया है, डॉन हम लेते हैं लिक्विड। पहले सन लाइट लिया था एक दो दफ़ा, लेकिन मुझे वो डॉन जो है वो ज़्यादा पसंद है, तो वो कास्को से हम बड़ी बोतल ले मिला है। 16 लीटर ऑयल जो है वो हमें मिला $42 का। और इज़ा जो है आप देख सकते हैं, इज़ा सो गई है, तो इज़ा ने हमें तंग इस वजह से किया था क्योंकि इज़ा को आ रही थी नींद, सो ये गाड़ी में आते ही इसको नींद आ गई और ये सो गई है। तो ये वो ट्रक है जिसमें सारी स्नो जो रोड्स पे पूरे पहाड़ होते हैं लोड होती है इसके अंदर। लोग घर पे आ गए हैं,
और शुक्र है हमारे घर के सामने से जो है वो उठा के चले गए हैं, सफाई होगी है यहाँ सामने की। तो ये सारा ट्रक है सफाई वाला, एक सेकंड, ये सारी इसके अंदर जो है स्नो भर के लेके जा रहे हैं। अभी हम रास्ते से जो है पहले सुपर सी गए, वहाँ से ऐसा ने कहा कोई केक वगैरह देख लेते हैं या पेस्ट्री छोटी सी मिलती है तो निकाह है तो वो भी काट लेते हैं, लेकिन वहाँ पे था नहीं, ऐसे केक भी नहीं था वहाँ पे, सो वहाँ पे केक भी नहीं था और पेस्ट्री भी नहीं थी। सो अभी हम फिलहाल घर पे आ गए हैं, तो अभी जो है ऐसा जो है उसका मूड ख़राब है क्योंकि ऐसा की नींद ख़राब हो गई है, ऐसा को गाड़ी से निकाला है तो इस वजह से जो है तो उसका ज़रा मूड ऑफ है। ऐसा को क्या हुआ है, मूड ऑफ है ऐसा का? सो ऐसा ज़रा अभी थोड़ी देर बाद इसका मूड सेट होगा। हाय करो, से हाय। ऐसा को जो है वो अपने टॉयलेट नज़र आ गए हैं और अभी मैं जल्दी से बस उठती हूँ और सबसे पहले जो है वो चाय रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सख्त जो है चाय की इस टाइम ज़रूरत है। चाय बनाने से पहले मैं ज़रा चूल्हा जो है वो साफ कर लूँ। सो अभी जो है वो चूल्हा साफ करके जो है मैंने चाय रख दी है। जंप इधर, जंप जंपिंग जंपिंग। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और आज का व्लॉग जो है आज एनिवर्सरी डे था हमारा, तो उसको हम आज यहीं पे एंड करते हैं। और मैंने कहा ज़रा बाहर आके एंड करते हैं क्योंकि बाहर आई थिंक कोई फ्लडिंग हुई है जिस वजह से थोड़ी सी रोड जो है दोबारा से वाइट वाइट नज़र आ रही है, और आज टेम्परेचर जो है वो इतना मतलब ठंड नहीं है, तो बाहर सफाई जो है काफ़ी हद तक जो है वो हो चुकी है। तो अभी बस हम थोड़ी देर बाद हमने सोना है, तो आज के व्लॉग हम ये भी एंड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।